तो ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट आया सबको समझ में। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे देता हूं आपको। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। वो कहता है कि अगर एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या था, अगर इक्वल इक्वल वॉल्यूम है ऑफ गैस, ठीक है, अगर वॉल्यूम इक्वल ले लिया हमने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल मतलब एक भी आंसर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन, बहुत ध्यान से देखना अब इसे, इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ, पहला लिखा उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड लिखेगा वो नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा लिखेगा वो नंबर ऑफ एटम्स, चौथा लिखा उसने नंबर ऑफ आयंस। बताओ कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। सार्थ, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, अंश गांधी, और इसमें से कोई आंसर बताओ। इसमें से मल्टीपल है, इसमें एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। सुचित्रा और आयुष जाधव, सूर्यवंशी, वेरी गुड, सबसे सही आंसर इस समय सूर्यवंशी का आया है। इशार सही है और अदिति, अंश गांधी, यहीं पे तो क्वेश्चन है, यही तो लॉजिकल क्वेश्चन है, यहीं पे लॉजिक आता है। देखो आयुष जाधव, इशा सही क्या आपने दोनों, तो यही लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो यहां पे आप फंस जाओगे, इसका आंसर है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन एंड टू ओनली। एटम्स क्यों नहीं है, देखो मैंने कहा सीओ टू, सीओ टू का एक मोल है और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने एटम है, इसमें है तीन एटम, और इसमें कितने एटम है, इसमें है दो एटम। तो डिफरेंस आया कि नहीं आया, नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस आया कि नहीं आया। अगर मैंने यहां पे कोई और गैस ले ली, सपोज मैंने ले लिया यहां पे SO3 गैस, तो यहां पे एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, तीन ऑक्सीजन के और एक सल्फर के, चार एटम। आंसर बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, खुद देखो आप लोग। तो ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता, ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उसने तीन एग्जांपल लिखे लिए हैं और लिखा है ऑल और एक में लिखा है वन टू, ये ध्यान रखना आप लोग। आयंस भी वही केस है, आयंस मतलब अगर आप इसे तोड़ोगे तो आयंस ज्यादा मिलेंगे आपको, किसी में दो आयंस हो सकते हैं, किसी में तीन हो सकते हैं, किसी में चार हो सकते हैं। तो ये दोनों आंसर गलत हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, केवल ही इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना एवोगैड्रो नंबर के लिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया ये। तो इसमें केवल और केवल मॉलिक्यूल्स या मोल्स दोनों सेम होते हैं किसी रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको, जल्दी जल्दी लिखो इसे कि अगर ये क्वेश्चन आया आपके पास कि एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है ओनली मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, नॉट एटम्स या आयंस, और कोई चीजें नहीं होती, ठीक है। अब मैं इसे रख कर रहा हूं यहां पे। अब देखो इसमें एक चीज तो ये कह दी उसने, एक है एसटीपी, अभी हमने कहा था एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
इसका मतलब अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है, कोई बता सकता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? एनीवन? हाँ अदिति, बिल्कुल सही है, ये याद रखना है। पृथ्वीराज, ठीक है, लगभग। अंश गांधी, मिस कर गए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर को किसी भी हालत में याद रखना है। और सिद्धि, तब ठीक है। आकाश, मिसिंग कर गए। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो हमें किसमें लेना है? केल्विन में। 273 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ST। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा? स्टैंडर्ड SP, या आप सोचोगे सुपरटेंडेंट, यहाँ पे मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड प्रेशर। तो कितना होगा स्टैंडर्ड प्रेशर, ये याद रखने अब यहां से। हाँ अंश गांधी सही है, अदिति सही है, और रुजुल सही है, अनुजा, सिद्धि, बिल्कुल सही। इसे याद करो किसी भी हालत में, तभी आप पे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे आगे क्वेश्चन। दैट इज 1 ATM और कम 760 मिलीमीटर, कम 76 सेंटीमीटर, कम 760 टॉर, कम। ये लगभग लगभग 1 बार के आसपास हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन मिलीमीटर में है तो ये वाली वैल्यू रखोगे, ATM में है तो इसे रखोगे, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो इसे रखोगे, और टॉर में गिवन है तो इसे रखो। तो ये वैल्यूज किसी भी हालत में, एट एनी रेट यू मस्ट हैव टू लर्न। 1 सेंटीमीटर, हाँ इज 10 टॉर, बिल्कुल सही कहा पृथ्वीराज, वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टॉर, या फिर 10 मिलीमीटर, MM, एक ही बात है। इसे लिखो, लिख लिया होगा, मैंने आपको ये ऑफलाइन में दिया था वीडियोस में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, STP, इसी को हम और कहते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक ही बात है, नॉर्मल का हो या स्टैंडर्ड का हो, इससे वैल्यू फिक्स हो जाती है, इससे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें यही कंडीशन रखनी होती है, इसीलिए हम कहते हैं स्टैंडर्ड। जैसे टाइम है, अभी मैंने कहा आपको टाइम कितना हो गया, आप कहोगे सर 9:10 हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन किसी के घड़ी में 9:15 बज रहे होंगे, किसी के घड़ी में 9:08 हो रहा होगा, तो वो क्या है, वो एरर हो गया। घड़ी को थोड़ा सही कर सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर दूसरी घड़ी भी ला सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो सबके लिए। हाँ अंश गांधी, बिल्कुल सही। तो स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है जो फिक्स होगा। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, लिख लेना आप लोग। आप देखो मोल कॉन्सेप्ट से हम कुछ चीजें आपको याद दिलाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं। अब बताओ अगर मैंने STP रखा हुआ है और गैस के लिए है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई याद हो किसी को, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ। हाँ अंश गांधी, अदिति, बिल्कुल सही है, याद करो, सूर्यवंशी, सही है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये फिक्स होता है 22.4 लीटर। लेकिन अगर हाँ आयु ज्यादा, सही है, लीटर की जगह पे ये ML में हो गया, तो ये इतना ML हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 × 10³ मोल्स, मॉलिक्यूल्स।
अब आपको मैंने अभी कहा देखो, अगर मोल सेम हुए तो मॉलिक्यूल्स भी तो सेम होंगे, एक ही तो बात है। अगर मोल सेम हुए तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम हुए तो मोल भी सेम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटमेंट ये मत सोचो कि दोनों वन है तो वन वन होगा, वन वन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने क्या, अगर सपोज करो एक के 5 मोल हैं तो सबके 5 मोल होंगे, और अगर एक के मॉलिक्यूल इतने हैं तो सबके इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। ये नहीं कहा मैंने कि नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल सेम होंगे, इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल, अगर हर एक गैस में देखो हर एक गैस के 5 मोल हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 5 इंटू इतना, क्योंकि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 मोल में 5 इंटू इतना। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा 5 मोल तो 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5 × 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान रखो, अगर सबके 5 5 5 मोल हैं तो सब में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान रखो। कहीं सब लोग सोचेंगे 5 मोल हैं तो 5 भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, ठीक है। इसे लिख लो, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी करके। अब रिटर्न, ये स्टेटमेंट देखो हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था और यहाँ पे भी आ गया है, दोनों जगह पे कॉन्सेप्ट है। कई चीजें मैंने कहा था आपको कि आगे आएंगी आपके पास, तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो आगे आते जाएंगे आपको, जो अपने बेसिक के पढ़े हुए हैं, इसीलिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हम आप यहाँ से आते हैं किसमें, यहां से हम चलते हैं सीधा का सीधा आइडियल गैस इक्वेशन पे। आइडियल गैस इक्वेशन जो अभी तक हम लिखते जा रहे थे उसे हम प्रूफ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस देखो कोई गैस होती नहीं है, आइडियल गैस किसे कहेंगे हम, देखो आइडियल गैस किसे कहते हैं, आइडियल गैस का मतलब वह एक ऐसी गैस होती है जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। देखो क्या क्या खास बात है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये जितना दूर जाते हैं उतना दूर रह सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि इसके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तभी तो उसे कहते हैं आइडियल। जैसे आप कहोगे बिल्कुल ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, हर एक चीज बहुत परफेक्टली करता है, मींस आइडियल। आइडियल कोई चीज होती नहीं है, दिस इज इमेजनरी, कोई भी चीज इस वर्ल्ड में आइडियल नहीं है, दैट इज इमेजनरी। आपके दिमाग में कोई चीज होगा ये बहुत परफेक्ट है, आप उससे कंपेयर करते हो, फिर यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमारे दिमाग में आ गया कि आइडियल ऐसा होना चाहिए, अब हम हर एक गैस को इससे कंपेयर करेंगे कि जो गैस इसके पास होगी वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी, जो गैस दूर होगी, जैसे आप कहते हो गुड ये लड़का बहुत अच्छा है, आप कहोगे ये फ्रेंड है जो ये बहुत अच्छा है, तो आपने किस बेस पे उसे अच्छा कहा, आपके माइंड में कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा, आपने इससे कंपेयर करते हो आप उसे, और कंपेयर करके आप कहोगे अरे ए ए ए बहुत अच्छा है, मैंने कहा बी, आप कहोगे बी ठीक ठाक, मैंने कहा सी, आप कहोगे सी तो बहुत बेकार है। तो आपके रेफरेंस पॉइंट से देखो, जो आपने अपने दिमाग में एक लाइन खींची है उसके कंपैरिजन में ए क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि ये इसके पास होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा होगा, हो सकता है मैंने दूसरे के लिए पूछा तो दूसरा कह रहा है सी मुझे बहुत अच्छा लगा, कह रहा है कि सी बहुत अच्छा है, उसके बाद बी कह रहा है बी ठीक ठाक है और ए बहुत बेकार, तो ये उसकी इमेजनरी लाइन है। तो हर एक की एक क्या होती है, इमेजनरी लाइन होती है जिससे वो दूसरे को कंपेयर करता है, इसीलिए क्या होता है हर एक का तरीका अलग अलग होता है। कोई
किसी के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए हो सकता है बहुत खराब भी हो। तो क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइन डिफरेंट थी। एक इस तरीके से सोचता है तो देखा उसने कि मेरे जो लाइन है उसमें ये सही आ रहा है, और दूसरा अलग तरीके से देख। तो आइडियल भी क्या है, इमेजिनरी है बस। ये हम लोगों की सोच है कि ऐसी कोई चीज होती है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स या अट्रैक्शन का या रिपल्सन का नहीं होगा मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल जितने दूर चाहे उतने दूर रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। इसकी बहुत सारी कंडीशन अभी आगे आएगी, थोड़ा सा मैंने आपको इसमें बताया हुआ है, तो इसे जल्दी जल्दी लिख लो। आइडियल गैस के लिए अभी दो ही कंडीशन लिखो, आगे बहुत सारी कंडीशन आएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब ये दूर जाना चाहेंगे, जितना दूर जा सकते हैं उतने दूर घूमते रहेंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉरेनर में होता है कि जो कोई कैसे भी जा रहा हो किसी को कोई मतलब नहीं होता। एक आदमी जा रहा है, मूवमेंट करता है, उसको कोई देखता नहीं है कोई कैसे जा रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी तरह है, मतलब एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, ठीक है। तो अब हम उसी के लिए इक्वेशन बनाएंगे ये वाला। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, देखो लास्ट और मेन पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं कि जो इन सब लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, विच फॉलो स्ट्रिक्टली, फॉलो स्ट्रिक्टली ऑल लॉस, जितने भी हमने लॉ दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे स्कूल में रूल्स बनते हैं तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सारे लॉ को फॉलो करता है, है कोई? बॉयल्स लॉ को भी पूरी तरीके से फॉलो करेगा, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रो लॉ हो गया, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको लॉ बताए हैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में, आप में से कोई है कि जो स्कूल के या जितने रूल्स हैं गवर्नमेंट के स्कूल के वो सारे लॉ को फॉलो करेगा, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर? बताओ कोई है ऐसा स्टूडेंट आप में से? यस लिखो, जो है यस कर दो बस, मैं समझ जाऊंगा कि यू आर आइडियल स्टूडेंट। नो, हाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता, इसीलिए आइडियल क्या है, दिस इज इमेजिनरी। तो आइडियल इक्वेशन क्या होती है, देखो आइडियल इक्वेशन क्या होगी, इसकी डिफाइन मैं लिख देता हूं आपको। आइडियल गैस की जो डिफाइन होती है वो होगी कि द इक्वेशन विच फॉलो या विच ओबे ऑल लॉस। अब ऑल लॉस में अभी आपको बताया मैंने कौन कौन से हैं, बॉयल्स लॉ हो गया, या फिर इसमें चार्ल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ इसको याद कर लो आप किसी भी तरीके से दो तीन बार लिख के, एवोगैड्रो लॉ हो गया, जितने आप लोग इसे पहले याद करोगे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर और कोई भी प्रेशर आप यूज करो तो भी ये इन सारे लॉज को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाएंगे जो अभी हम ड्राइव करेंगे इसके बाद, तो वो इक्वेशन है जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रो लॉ को, सारे लॉज को फॉलो करेगी अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। So this equation is called ideal gas equation. Written ideal gas equation. हाँ, very good आदित्य मैकर, लिख लिया। देखो याद करो साथ साथ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अगर साथ में याद करते चले जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी बहुत ज्यादा। और आपने उसे बैकलॉग छोड़ दिया, पीछे याद कर लेंगे तो फिर वो चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। जो भी मैं देखो दो दो लाइन लिखाता हूं मैं, एक बार उसे दो बार अपने आप लिखो और फिर अपने दिमाग से लिखो आप, बस आपको एक दिन में याद हो जाएंगे। और आपको स्टेटमेंट याद होगा तो आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। सिंपल क्या है, देखो जो लॉ सारे लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, एक ऐसी इक्वेशन।
अब मैं उस इक्वेशन को बनाता हूँ, देखो और भी आसान कर देता हूँ मैं आपको। वो कहता है एक एक करके सारे इक्वेशन को आ जाओ भाई सामने, वन बाय वन लाइन से लग जाओ। तो पहले बोलता है चलो बॉयस इधर आओ, तुम सबसे पहले आए थे, कम यार। फिर वो बॉयस को बुलाता है सामने और कहता है चलो आगे लग जाओ लाइन पे। तो पहले हम किसको लिखेंगे, बॉयस लॉ को। अब हम इसे डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूले को, डिराइव, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे हम। तो पहले उसने चार्ल्स को बुलाया, चार्ल्स क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्म प्रोसेस, आइसोथर्मल। अब उसने कहा चलो इसे इक्वेशन वन नाम दे दो, उसको कह दिया इक्वेशन वन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन वन। अब उसने बोला चार्ल्स तुम दूसरे नंबर पे आए हो, चलो इधर आ जाओ। अब चार्ल्स भी पहुंच जाता है, चलो ठीक है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसने कहा चलो हम इसे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन दे देंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं इक्वेशन सेकेंड, ये है इक्वेशन सेकेंड और ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। कांस्टेंट को ध्यान रखना, बस ये कांस्टेंट मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब तीसरा लॉ कौन आता है, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को कहता है चलो तुम भी लाइन पे लग जाओ। तो यहां से आता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट होगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये तीनों लाइन पे लग गए, इसे कह दिया उसने इक्वेशन थर्ड। बस अब यहां तक काम खत्म, दो लाइन और है और ये पूरी की पूरी इक्वेशन हम ड्राइव कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो जो चीज हमने पहले पढ़ी थी ये दोबारा वापिस आ गई, दोबारा वापिस हो गई, वन टू थ्री। चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, हाँ सॉरी, हाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, सही है। चार्ल्स लॉ में क्या कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस लॉ को यहां से क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो मैं अब इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ध्यान रखो वन टू थ्री। अब क्या किया देखो, वी वी वी, तो वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहेगा तीनों के लिए, वी 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 है, यहां पर चेंज कर लो बस। ठीक है, अब उसने क्या किया, वाई नॉट कैलिसेक लॉ, क्योंकि वो प्रेशर टेम्परेचर आ चुका है पहले से ही, तो इसीलिए उसे इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया है और इनसे भी जब काम बन सकता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो यहां से उसने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को उसने कंबाइन कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, मिला दो आपस में, मिक्सअप कर दो। देखो मिक्सर में डाला उसने सबको, मिला दिया मिक्सी में, उसमें डाल के किसमें, इसका मैंगो शेक बना दिया उसने फिर। ठीक है, तो उसने कहा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर था, टेम्परेचर भी ऊपर था और प्रेशर कहां था, नीचे था। इतना ध्यान है सबको कि नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखा था, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और प्रेशर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम कभी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे उसने कांस्टेंट को लिया आर, तो एन आर टी अपॉन पी। देखो आ गया फॉर्मूला हमारा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो डेरिवेशन में देखो तीन लाइन आपको पता थी, चौथी लाइन में मैंने क्या किया, तीनों को मिला दिया, कंबाइन कर दिया। देखो V is directly proportional to N, V is directly proportional to T and V is inversely proportional to P. कंबाइन किया, proportional sign हटाएंगे, एक कांस्टेंट आया R, R is called gas constant, R is called gas constant. अब देखो P को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया फॉर्मूला हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसको हम हर बार लिख रहे थे,
वो एक्चुअल में यहाँ पहले ही आपको बताया गया था, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सबको सॉल्व करते हैं। अब देखो, n फॉर होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लिया, अगर नंबर ऑफ मोल्स इज 1 तो PV इज इक्वल टू RT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, इसे लिख लो बस। देखो, दो लाइन की डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। जिसने पहले का पॉइंट क्या किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, उसको आगे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जल्दी जल्दी लिखो इसे आप। रिटर्न डन, वेरी गुड। देखो, यहां तक हमने फॉर्मूला क्या निकाला, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल। अब देखो, यहां से एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, फॉर्मूले लिखने स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है? तो वहां से आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन आएगा तो उससे पहचानना पड़ेगा आपको। अब मैं इसे रब कर रहा हूं यहां से। अब एक और फॉर्मूला इससे बनाता हूं फाइनल। एक और फॉर्मूला, एक ये हो गया, अगर चार चीजें गिवन है और एक चीज पूछा है तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम। इसको भी और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन को इसने और घुमा के दे दिया यहाँ से और उसने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, वी नो दैट, वेट अपॉन मोलर मास, तो आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास RT। ये क्वेश्चन का तरीका है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको मोल्स नहीं दिया होगा, आपको वेट दे दिया कि 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो आप समझ जाओगे कि वेट है, ऑक्सीजन का मोलर मास हमें पता है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकता हूं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मींस फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट। यहीं पे तो दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो उसके डेटा के बेस पे, गिवन क्या है आपके पास, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो चीज गिवन है उसके बेस पे हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फॉर्मूले तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अप्लाई कौन सा करना है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में गिवन क्या है। आप देखो, एक और फॉर्मूला आपको मैं ड्राइव करके बताता हूँ, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो, कहाँ पे कहीं पे ये लगेगा, कहाँ पे ये लगेगा, कहाँ पे वो लगेगा। अब उसको निकालने के लिए देखो, मैं यहां से हेल्प लूंगा। ये है PV इज इक्वल टू RT। ध्यान से देखना, बस एक स्टेप और है, छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। अब हम क्या करेंगे, टी को यहां से अपॉन में ले जाओ, ये हो जाएगा PV अपॉन टी इज इक्वल टू आर, और आर मीन्स होता है कॉन्स्टेंट, आर मीन्स हो गया कॉन्स्टेंट। तो अब अगर मैंने सिचुएशन चेंज कर दी तो क्या फॉर्मूला होगा, होगा P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ऐसे अगर सपोज करो, मैंने कहा पहले प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर था 10 mm, बाद में मैंने 20 कर दिया, वॉल्यूम पहले कुछ था फिर बाद में कुछ और हो गया, टेम्परेचर पहले इतना था बाद में टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें आपको तीनों चीजें गिवन होगी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो, PV अपॉन T हर हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, तो हमने क्या किया, अगर पहली कंडीशन में ये है तो दूसरी कंडीशन में ये होगा, तीसरी कंडीशन में 3 वाला हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में केवल दो ही कंडीशन गिवन होती है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। डन है, इज इट क्लियर, डन, वेरी गुड। तो
फॉर्मूले को किसी भी हालत में याद करना है, स्टेटमेंट को याद करना है और फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं। वेरी गुड। तो देखो यहां से अब आपकी आपका जो स्किल है वो काम आता है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और मुझे निकालना कैसे है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो यहां से अभी मैं आप इसको रब कर रहा हूं। तो हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, और इसके अलावा ये सारे लॉस हमने निकाले हैं और ये सारी चीज की है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसमें, ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन आएगा इसमें कि मैंने कहा 25 mm ऑफ 25 mm ऑफ गैस अक्यूपाई अक्यूपाई 500 ml एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर मैंने क्या किया, इफ प्रेशर चेंज टू 50 mm एंड वॉल्यूम बिकम्स 1000 ml, तो टेम्परेचर आपको बताना है, टेम्परेचर कितना होगा, जरा फॉर्मूले में अप्लाई करके बताओ। हाँ, वेरी गुड सर। और इसके अलावा सोचो जरा, कैलकुलेशन फॉर्मूले में पुट करो। देखो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका V1 और ये हो गया आपका T1। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखो। हाँ रुजुल, बिल्कुल सही आंसर। ये हो गया आपका P2 और ये हो गया आपका V2 और आपको निकालना है T2। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, पहली कंडीशन को 1 मान लो, दूसरी कंडीशन को 2 मान लो और इसे फॉर्मूले में पुट कर दो। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको देखो सारी कंडीशन दी है, इसमें कोई भी चीज मैंने कॉन्स्टेंट नहीं लिखा है, तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा। हाँ अंश गांधी वो वाला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि देखो कंडीशन दे दी आपको, पहली सिचुएशन दे दी है और दूसरी सिचुएशन दे दी है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब बताओ व्हाट विल बी द आंसर अदिति, और यहां से अंश क्या। हाँ सिद्धि सही आंसर है। सोचो जरा एक बार रुजुल, एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो इसे लिखो 25, मैं कर देता हूं एक बार, मैंने भी किया नहीं है कैलकुलेशन को। 25 हो गया, V1 हो गया 500 अपॉन T1 हो गया आपके पास 300 इज इक्वल टू, देखो P2 हो गया आपके पास 50, P2 है 50 और V2 हो गया आपके पास 1000 अपॉन T2। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, पृथ्वीराज वेल ट्राई है आगे, अभी मैं निकाल के बता देता हूं आपको। आप क्या करो, देखो T2 को यहां से इधर ले जाओ, बस T2 को उठाओ वहां से कान पकड़ के और इधर ले जाओ दूसरी साइड। आगे क्या हो जाएगा, 50 × 1000 अपॉन, ये यहां से यहां ये यहां से यहां मल्टीप्लाई अपॉन में हो जाएगा, × 300 अपॉन 25 × 500। बस ये इतना सही आंसर है। अब क्या हो गया, 25 1 जा 25 2 जा 500 1 जा 500 2 जा, तो ये हो गया 1200। ठीक है, वेल ट्राई था, कई लोगों ने अच्छा किया है, गुड, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आंसर दिया आपने। ठीक है, एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कैसे, 25 × 500, फिर आगे था, या मैंने वैल्यू तो चेंज नहीं की इसकी, वैल्यू सही रखी है सब में, वैल्यू तो चेंज नहीं की कहीं पे।
सही है, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। आपको क्या निकालना है, टी टू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां से इसको और फिर इसे फॉर्मूले में लगा दिया। हाँ तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस सबको आता है, फाइव टू जा कितना होता है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करना है, फाइव टू जा टेन, हाँ वेरी गुड। और डिवाइड भी आना चाहिए, देखो डिवाइड भी आना चाहिए, डिवाइड मैंने कहा आपको हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू, तो हाँ पृथ्वीराज अब सही आंसर है। तो फिर देता हूँ मैं, आज कैलकुलेशन ही करेंगे हम लोग आज कल में, उसमें क्या करना है, सुचित्रा सही आंसर। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस डिवाइड सब आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आंसर होंगे, डन। अब इसमें देखो आर की वैल्यूज दी हुई है, देखो आर की वैल्यूज, इसका मतलब आपको आता है, इसका मतलब आपको डिवाइड मल्टीप्लाई और क्या हो सकता है इसमें, हाँ टाइम, टाइम कितने मिनट बचे हुए हैं, लास्ट 2 मिनट, तो चलो मैं आज ऑफ करता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दूंगा मैं आपको और आज सॉल्व करो आप लोग इस के बेस पे, और कल फिर हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, सुचित्रा, बाय।